ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं रत्ना साहू। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020 तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को टैंकर मुक्त करने के दिए निर्देश। सुकमा जिले में एक महिला सहित 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। सुकमा में ही सुरक्षा बलों ने एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आज प्रदेश में पीईटी और पीपीएचटी की परीक्षा आयोजित की गई। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020 तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को टैंकर मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। आज रायपुर स्थित अपने निवास में विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा के दौरान श्री बघेल ने ग्रामीण क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या को दूर करने की बात कही। उन्होंने वर्षा जल को संरक्षित करने के साथ ही तालाबों को सुरक्षित रखने के भी निर्देश दिए। वहीं उन्होंने शहरी इलाकों में बारिश के पहले नालों और नालियों की सफाई करवाने कहा। बैठक में श्री बघेल ने अधिकारियों से कहा कि किसानों को खाद बीज की कमी न होने पाए। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना की भी समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव और कृषि उत्पादन आयुक्त केडीपी राव ने कहा है, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना को खरीफ फसलों के साथ जोड़कर शासन की योजना का लाभ किसानों को दिलाया जाए। श्री राव ने अंबिकापुर में आयोजित बैठक में रबी फसल की प्रगति और खरीफ फसल की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसानों को खरीफ फसल के प्रामाणिक और गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराए जाए ताकि उन्हें अधिक कीमत पर बीज न खरीदना पड़े। श्री राव ने नदी नालों के उद्गम स्थल से जल संरक्षण प्रारंभ करने और चुने हुए गांवों को जल उद्गम क्षेत्र से जोड़कर किसानों को कृषि के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। सुकमा जिले में आज एक महिला सहित 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इनमें से 2 माओवादियों पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन माओवादियों ने कोंटा एसडीओपी चंद्रेश ठाकुर और थाना प्रभारी शरद सिंह के सामने समर्पण किया। इन पर विस्फोट, आगजनी सहित कई माओवादियों घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। वहीं सुकमा में ही आज सुरक्षा बलों ने 5 लाख रुपए की एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। हमारे संवाददाता के मुताबिक जिले के पुष्पाल थाना क्षेत्र से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम सर्चिंग पर निकली थी। इस दौरान चिंतलनार और मुंडवाल के जंगल में घेराबंदी कर इस महिला माओवादी को पकड़ा गया। यह महिला माओवादी कांगेर घाटी एरिया कमेटी DAKMS की अध्यक्ष है। इस पर हत्या और पुलिस पार्टी पर हमला करने का आरोप था। गिरफ्तार महिला माओवादी को आज न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। लोकपाल वेबसाइट शुरू हो गई है। न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष ने नई दिल्ली में आज लोकपाल संगठन के सभी सदस्यों की उपस्थिति में इस वेबसाइट www.lokpal.gov.in का शुभारंभ किया। इस वेबसाइट से लोकपाल की कार्यप्रणाली और कामकाज के बारे में मूल जानकारी उपलब्ध हो सकेगी। इसके जरिए नियम और विनियम अधिसूचित करने तथा शिकायतें प्राप्त करने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। पिछले महीने की 16 तारीख तक प्राप्त सभी शिकायतें निपटाई जा चुकी हैं और बाद की शिकायतों पर जांच की जा रही है। लोकपाल देश में अपनी किस्म का पहला संस्थान है जिसका गठन सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और पूछताछ के लिए लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया था। उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा CTET 2019 में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण दिए जाने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति इंदिरा बैनर्जी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कहा है कि ये दोनों अपने जवाब मामले की अगली सुनवाई की तिथि 1 जुलाई तक दाखिल करें। कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल 8 जून से 8 सितंबर तक होगी। इस वर्ष लगभग 3,000 लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है। इनमें 740 महिलाएं हैं। विदेश सचिव विजय गोखले ने कंप्यूटर के जरिए यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के नाम तय किए। चुने गए यात्रियों को एसएमएस
और ई मेल के जरिए जानकारी दी जा रही है। आवेदन करने वाले लोग वेबसाइट kmy.gov.in पर पंजीकरण की स्थिति जान सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। श्रोताओं, आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने फेसबुक अकाउंट से हमें लाइक करने के लिए सर्च करें छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR और रोज पढ़ें प्रादेशिक समाचार फेसबुक पर भी। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा आज प्रदेश में PET और PPHT की परीक्षा आयोजित की गई। यह परीक्षा दो पालियों में हुई। पहली पाली में PET की परीक्षा सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की गई, वहीं दूसरी पाली में PPHT की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक हुई। प्रदेश में 3 चरणों में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के बाद अब मतगणना की तैयारियां शुरू हो गई है। इसे लेकर सभी जिलों में मतगणना कार्य से जुड़े अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी कड़ी में कल राजधानी रायपुर में रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी, उप निर्वाचन अधिकारी और मास्टर ट्रेनरों को प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर रायपुर के जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर बसव राजू एस और बलौदाबाजार भाटापारा के कलेक्टर कार्तिकेय गोयल ने अधिकारियों कर्मचारियों को मतगणना की बारीकियों से अवगत कराया। वहीं मास्टर ट्रेनर ने मतगणना के दौरान ईवीएम वीवीपैट से वोटों की गिनती, सारणीकरण, डाक मतपत्रों की गणना और निर्वाचन सामग्रियों को सील करने के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने रायपुर स्थित CEO कार्यालय में कार्यरत इंटर्न से संवाद किया। इस दौरान सभी इंटर्न्स ने अपने पिछले 2 महीने के कार्य अनुभव मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से साझा किए। इन छात्रों ने बताया कि चुनाव संबंधी कार्य करना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा। साथ ही उन्हें आदर्श आचार संहिता और आम निर्वाचन की बारीकियों को जानने समझने का मौका मिला। संवाद कार्यक्रम में श्री साहू ने इन छात्रों को मीडिया के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दौरान मीडिया संस्थानों से निष्पक्ष रिपोर्टिंग की अपेक्षा की जाती है। निर्वाचन व्यय, पेड न्यूज और चुनाव प्रचार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रखने के लिए आदर्श आचार संहिता की अवधि में इसकी सतत निगरानी भी की जाती है। श्री साहू ने इंटर्न्स को आम निर्वाचन के लिए की जाने वाली व्यापक व्यवस्था, सुनियोजित कार्यप्रणाली और प्रबंधन के बारे में भी बताया। गौरतलब है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की अभिनव पहल से रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के 23 विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में इंटर्न्स के रूप में काम करने का मौका मिला था। छत्तीसगढ़ में रोटा वायरस जनित दस्त से बच्चों को प्रभावित होने से बचाने के लिए राज्य सरकार ने रोटा वायरस टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में रायपुर में सभी जिला टीकाकरण अधिकारी और स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सचिव निहारिका बारिक ने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि वे रोटा वायरस से बाल मृत्यु दर में कमी लाने के लिए लोगों को जागरूक करें। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम यूनिसेफ के सहयोग से आयोजित किया गया। जांजगीर चांपा जिले में आज एक मालगाड़ी ने कार को ठोकर मार दी। इस हादसे में कार में सवार 11 लोग घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर बनी हुई है। मिली जानकारी के अनुसार धनेली गांव से कार में सवार होकर ये लोग बिलासपुर जा रहे थे। इसी दौरान अलग तरह से मुरलीडी में यह कार वहां से गुजर रही मालगाड़ी की चपेट में आ गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। कार में सवार सभी 11 लोगों को चोटें आई है। गंभीर रूप से घायल 5 लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और लू की स्थिति बनी हुई है। बिलासपुर में आज अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने के साथ ही प्रदेश के मध्य और दक्षिणी क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना जताई है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर आगामी 18 मई को संस्कृति और पुरातत्व संचालनालय द्वारा रायपुर स्थित महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में पर व्याख्यान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य सरकार की ओर से नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में 20 मई तक चावल बिक्री मेले का आयोजन किया गया है।
और कोरिया जिले के बैकुंठपुर में बीती रात एक यात्री बस के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा जाने से करीब 11 यात्री घायल हो गए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्ष 2020 तक प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को टैंकर मुक्त करने के दिए निर्देश। सुकमा जिले में एक महिला सहित 5 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष किया आत्मसमर्पण। सुकमा में ही सुरक्षा बलों ने एक इनामी महिला माओवादी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आज प्रदेश में पीईटी और पीपीएचटी की परीक्षा आयोजित की गई और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।